दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर कुकीज पॉपअप नोटिफिकेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां नीचे के ऊपर से या ऊपर की साइड से एक कुकीज का पॉपअप आपके सामने आ जाता है जिसे कि आपको एक्सेप्ट करना होता है। इस तरह का कुकीज पॉपअप बॉक्स अगर आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधे आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फिगर का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पोजीशन सिलेक्ट कर लेनी कि आपको जो पॉपअप बॉक्स एड करना है वो अपने ब्लॉगर में किस तरह दिखाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उसको लेफ्ट में दिखाना चाहते हैं लेफ्ट में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से निकल कर आएगा। अगर आप लेफ्ट में दिखाएंगे तो इस तरह से लेफ्ट साइड में नजर आएगा। अगर आप उसको बैनर की तरह बॉटम में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से नजर आएगा। और अगर आप उसको टॉप में लगाना चाहते हैं तो टॉप में इस तरह से नजर आएगा। और अगर आप उसको पुश डाउन की तरह लगाना चाहते हैं तो इस तरह से वो नजर आएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं जैसे कि यहाँ से बैनर बॉटम ले लेता हूँ, यानी कि इस टाइप का यहाँ पे नजर आने वाला है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है लेआउट का। तो आप यहाँ से ब्लॉक ले सकते हैं, क्लासिक ले सकते हैं, एजलेस ले सकते हैं और वायर ले सकते हैं। जैसे कि एजलेस पे करेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, क्लासिक पे करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा और वायर पे करेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल रख लेता हूँ इसको ब्लॉक पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको प्लेटे का मिलता है। प्लेटे पे जाएंगे तो यहाँ से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि येलो ब्लैक सिलेक्ट है। आप चाहे तो इसको इस तरह से रख सकते हैं। ये आपको अपनी थीम के अकॉर्डिंग रखना है कि आपकी थीम किस कलर की है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इसको एनेबल करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे डिफॉल्ट येलो वाले पे रहने देता हूँ। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट योर ओन, यानी कि आप इसके बैनर वगैरह का टेस्ट वगैरह यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है लर्न मोर लिंक का। तो इसमें एक तो आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और सेकंड आपको यहाँ पे लर्न मोर का आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकंड वाले को सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको URL दे देना होगा गूगल की पॉलिसी का। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना। तो ये गूगल की जो किज पॉलिसी है उसका URL आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लाइंस टाइप का ऑप्शन मिलता है। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है, आपको इसको डिफॉल्ट नहीं देना। इसके बाद आपको कस्टम टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ दिस वेबसाइट यूज कुकीज टू एनश्योर यू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन अवर वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको करने के अलावा भी बस आपका काम यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड में चलते चलिए मैं इसको यहाँ से चैट विंडो को बंद कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में आपको दो तरह के कोड मिलते हैं। फर्स्ट कोड आपको ये मिलता है और सेकेंड कोड आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट कोड मिलता है HTML वाला, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे हेड टैग सर्च करना है। चलिए सबसे पहले तो आपको इसको हेड को ही हम कॉपी कर लेते हैं। ये हेड का हमारा क्लोजिंग टैग है। सबसे पहले हमें इस हेड के क्लोजिंग टैग को सर्च करना होगा। उसके लिए हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद थीम सेक्शन पर जाएंगे। थीम सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिट HTML करना है और यहाँ पर कहीं पे भी एक बार कर्सर को क्लिक करके आपको कंट्रोल F लिखना है और इसके बाद यहाँ पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस हेड टैग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्लोजिंग वाले को इसको एंटर मारना है। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो नीचे की साइड में आप देख सकते हैं कि हेड टैग हमें यहाँ पे मिल चुका क्लोजिंग वाला। अब आपको करना होगा फिर से उसी वेबसाइट पर जाना है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर द हेड, यानी कि इस कोड से जस्ट पहले हमें इस HTML कोड को यहाँ से पेस्ट करना है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंगल क्लिक में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे जस्ट पहले, यानी कि हम इसके ऊपर एक एंटर दे देते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से हमें पेस्ट कर देना है। फिर से उसी वेबसाइट पर जाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक सेकंड कोड दिया गया है, इसको आपको कवर पेस्ट करना है। इसको आपको बॉडी के क्लोजिंग टैग के पहले आपको पेस्ट करना है। तो चलिए बॉडी के क्लोजिंग टैग को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से चलते हैं, फिर से कंट्रोल F हम यहाँ पे दबाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V करके हम इस टैग को भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बॉडी का क्लोजिंग टैग भी मिल चुका है। तो इसके जस्ट ऊपर आपको इसे पेस्ट करना होगा। तो किसे पेस्ट करना होगा, फिर से वेबसाइट पर जाएंगे और जो सेकंड वाला कोड है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर द बॉडी, यानी कि इस बॉडी टैग के जस्ट पहले इसको आपको पेस्ट करना है। इसको चलिए पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद चलिए फिर से इस थीम को यहाँ से हम सेव कर देते हैं। चलिए दोस्तों हमारी थीम यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद चलिए फिर से ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चलते हैं और चलिए मैं एक बार अपनी इस वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा कुकीज वाला नोटिफिकेशन पॉपअप बॉक्स यहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट विंडो में इसे ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में हमारा बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी विजिटर यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पे गोटिट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर इस तरह का पेज वाला पॉपअप नोटिफिकेशन बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।